आगरा के कागा रोल बह लक्ष्मी नारायण दास के निवास पर आयोजित बैठक में मथुरा से उत्तर प्रदेश लीग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव तेजस चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस खेल को प्रदेश में बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश लीग क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दास को बनाया गया है, जिसके बाद उन्हें शॉल ओढ़ाकर बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सचिव नरेश कुमार, राहुल चाहर, कई लोग उपस्थित रहे। जो आप आज सम्मानित किए हैं वो कौन से पद से कैसे नवाजा गया आपको? मुझे भगवान की कृपा से और युवा वर्ग के विशेष सहयोग से मैं क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष पद जो प्राप्त हुआ है, मैं पहले तो सभी सहयोगी जनों का, सभी एसोसिएशन के कार्यकर्ता अधिकारीगण सबको बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही उनको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि मेरे शरीर में जब तक सांसों का संचार रहेगा तब तक मैं युवाओं के प्रति और इस खेल के प्रति अपने को और समाज को सदैव जागृत रखता रहूँगा और हर तन मन धन हर प्रकार से इस एसोसिएशन में अपना समय और अपना योगदान देता रहूँगा। आगे युवाओं के बारे में और क्या क्या रहेगा आपका? युवा देश की एक जड़ है, युवा देश की शोभा है। अगर युवा समृद्ध नहीं है तो देश निश्चित रूप से प्रगतिशील हो नहीं सकता। युवाओं के अंदर अगर प्रगति है, युवा अगर बलिष्ठ है, ताकतवर है, तो युवा निश्चित रूप से संसार की आभा और प्रतिभा को बदल देगा। इसलिए वेरी लाइक पर्सन ऑफ द युवा। लेग क्रिकेट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? लेग क्रिकेट, क्रिकेट कोई भी हो, खेल कोई भी हो, वो खेल का एक ही माध्यम है कि खेल ताकत से और शक्ति से जीता जाता है, आत्मबल से जीता जाता है। तो युवाओं के अंदर तीन चीज में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे भारत के युवा के अंदर ये तीन चीज निश्चित होनी चाहिए। सबसे पहला आत्मबल, दूसरा ताकत और तीसरा विवेक। ये तीन चीज अगर युवा के अंदर हैं तो निश्चित रूप से चाहे लेग क्रिकेट का खेल हो या जिंदगी का खेल हो, हर खेल में वो विजय से प्राप्त करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी तेजस जी को बहुत बहुत सचिव, उत्तर प्रदेश के सचिव भैया तेजस जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे साथ तेजस जी का साथ जो है वो सुई धागे का साथ रहेगा, चोली दामन का साथ रहेगा। आगरा से केकेटी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह चाहर की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस में आज शेरनी दस्ते की शुरुआत हुई है। गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में महिला आरक्षियों को आज स्कूटी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्षपीठ में इस दस्ते को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस शेरनी दस्ते के गठन के बाद अब महिला पुलिस कर्मी भी अपने इलाकों में गश्त करेंगी और इनकी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगाई जाएगी जहां पर महिलाएं या छात्राएं आती जाती हैं। इस दस्ते के गठन के बाद से अब शोधों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर।